आपकी किताब दीक्षा पेज नंबर 30 यानी कि 30। चांदपुर गांव, चंद्रबिंदु का प्रयोग। चलिए देखते हैं। द में आ चंद्रबिंदु, त दांत, च में आ चंद्रबिंदु, द चांद, आ चंद्रबिंदु, च आच, क में आ चंद्रबिंदु, च कांच, प में आ चंद्रबिंदु, च पांच, ज में आ चंद्रबिंदु, च जांच, आ चंद्रबिंदु, ख आंख, क में आ चंद्रबिंदु, व काव, छ में आ चंद्रबिंदु, व छाव, आ चंद्रबिंदु, ग न आंगन। अब चंद्रबिंदु, ग में बड़ा ऊ, ठ में बड़ी ई अंगूठी, छ में आ चंद्रबिंदु, द न में बड़ी ई चांदनी, ह में चंद्रबिंदु, स हंस, म में छोटा ऊ, ख मुख, हंसमुख, क में चंद्रबिंदु, प कप, क पे चंद्रबिंदु, प में बड़ी ई कप कपी, ज ह में आ चंद्रबिंदु, ग में बड़ी ई र जहांगीर, ब में चंद्रबिंदु, ट व में आ र बटवार। तो अब एक कविता। चांदपुर है छोटा सा गांव, वहां पेड़ों की ठंडी छाव, कौवा की भी काव काव, बजती पायल पाव पाव, हसमुख लोग वहाँ पर रहते, हर पल हरदम खुश है रहते। चांदपुर एक गांव है जहाँ पर पेड़ों की ठंडी छाँव है, वहाँ पर कौवा भी काव काव करता है और पायल पैरों में भी बजते हैं। वो वहाँ पे कई हसमुख लोग रहते हैं, हर पल हरदम खुश रहते हैं। तो यह थी चांदपुर गांव पे कविता। अब हम इसका अभ्यास करेंगे, मिलाकर लिखेंगे। हमें छोटा ऊ, अमे आ चंद्रबिंदु धुआ, तमे आ लमे छोटी ई, यमे आ तालिया, तमे आ लमे छोटी ई, यमे आ चंद्रबिंदु तालिया, न दमे छोटी ई, यमे आ चंद्रबिंदु नदिया, न दमे छोटी ई, यमे आ नदिया, कठ हमे छोटी ई, नमे आ ई, यमे आ चंद्रबिंदु कठिनाइया, कठिनाइया कठिनाइया, च में आ चंद्रबिंदु, द न में बड़ी ई चांदनी चांदनी, क में आ चंद्रबिंदु, प न में आ कांपना कांपना कांपना। अब इसका अगला एक्टिविटी। सही स्थान पर बिंदु या चंद्रबिंदु लगाइए। हमने बिंदु भी देखा और चंद्रबिंदु भी देखा, अब कहाँ पे क्या होगा हमें वो लगाना है। झंडा में बिंदु, पाँव में चंद्रबिंदु, पतंग में बिंदु, चांद में चंद्रबिंदु, दांत में चंद्रबिंदु, पंख में बिंदु, बंदर में बिंदु, बांसुरी में चंद्रबिंदु। तो यह थे चंद्रबिंदु और बिंदु के कुछ अक्षर जिसपे हमने सही मात्रा लगाया है। तो इसे घर पर कीजिए और घर पर रहिए।